हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है दीपंकर। आज हम सीखेंगे कैसे हम विजुअल स्टूडियो 2010 के साथ MySQL को कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी जो MySQL हम वर्म सर्वर या फिर जैम सर्वर में PHP माई एडमिन के साथ चलाते हैं, उसको कैसे हम विजुअल स्टूडियो 2010 में विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमको MySQL सर्वर को चालू करना पड़ेगा, इसके लिए मैं जैम सर्वर को ओपन करता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं MySQL सर्वर जिसका पोर्ट आईडी है 3306 ओपन हो चुका है, मतलब सर्वर रन हो रहा है। इसमें एडमिन पार्ट में जाकर हमें पहले एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो चलिए एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। डेटाबेस का नाम मैं देता हूँ स्कूल नाम का एक। ओके, क्रिएट करते हैं। उसके बाद उसमें एक स्टूडेंट नाम का भी एक टेबल बना देते हैं। इसमें आईडी, इसका नंबर रख लेते हैं, इसको 255 इसका साइज़ दे देते हैं। इसके अंदर इसका नेम डाल देते हैं, इसको भर कर कर देते हैं और इसका साइज़ भी 255 कर देते हैं। इसके बाद एड्रेस टाइप को भर कर कर देते हैं, इसको 500 कर देते हैं। एड्रेस थोड़ा बड़ा होगा और एज को भी हम भर कर कर सकते हैं 255। इसके बाद हम ये जो आईडी है इसको प्राइमरी की कर देते हैं और इसका ऑटो इंक्रीमेंट ऑन कर देते हैं। जैसे जैसे हम नया नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते जाएंगे तो इसका आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। तो टेबल में हम एक डेटा को इंसर्ट करते हैं, तो इसके लिए हमें इंसर्ट मेनू में क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद हम एक नाम डाल देते हैं, नंबर इसको छोड़ देते हैं, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता जाएगा। नाम में हम अपना नाम डाल देते हैं, एड्रेस, उसके बाद एज और एक डेटा को इंसर्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं वन रो इंसर्टेड, टेबल में एक डेटा इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो में, विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं। विजुअल स्टूडियो 2010 को हम ओपन करेंगे। इसके बाद एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन को लेंगे और उसके बाद इसका नाम लेते हैं माई एस क्यू एल कनेक्शन टेस्ट। तो ये जो फॉर्म आया है इधर, इसमें हम डेटा को व्यू करेंगे। तो इसके लिए हमें टूल बॉक्स से एक डेटा ग्रिड व्यू लेना पड़ेगा जो आपको डेटा के अंदर मिल जाएगा, डेटा ग्रिड व्यू। तो ये रहा हमारा डेटा ग्रिड व्यू और इसको लोड करने के लिए हम एक बटन की सहायता लेंगे। तो टूल बॉक्स से आप एक बटन ले लीजिए, इसका नाम दे दीजिए, इसमें जो टेक्स्ट होगा उसको लोड। तो जैसे हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा डेटाबेस में जो डेटा है, रिकॉर्ड है स्टूडेंट टेबल का, वो सारा इधर चला आएगा। तो बटन प्रेस करने के साथ साथ वो सारा डेटा इधर चले आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हमें प्रोजेक्ट का कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। इसमें आप माई एस क्यूएल कनेक्शन टेस्ट प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रोजेक्ट का जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें जाना है आपको। उसके बाद आपको कॉम्पाइल ऑप्शन में जाना है, इधर आपको नीचे थोड़ा नीचे एडवांस कॉम्पाइल ऑप्शन मिल जाएगी। तो इसमें आपको जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है इसको आपको सिर्फ डॉट नेट फ्रेमवर्क कोड रखना है और उसके बाद आपको ओके करना है और इसको ओके कर देना है। हेलो, क्लाइंट प्रोफाइल नहीं रखना है आपको, डॉट नेट फ्रेमवर्क फोर ही रखना है सिर्फ। पहले आप इसको सेव कर लीजिए। सेव करने में इसको डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ, उसके बाद ही ये हो पाएगा, नहीं तो ये चेंज नहीं करने देगा इधर। ठीक है, ये देखिए अब हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट को हमने सेव कर लिया, उसके बाद इसका फ्रेमवर्क जो है उसको भी चेंज कर लिया। ठीक है,
अब माई स्किल कनेक्शन के लिए आपको कुछ DLL की सहायता चाहिए। तो इसके लिए मैं एक DLL का यूज़ करूँगा। इस DLL का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दे रहा हूँ ऐसे। तो आपको फिर से प्रोजेक्ट में जाना है। प्रोजेक्ट में जाकर आपको इस प्रोजेक्ट के नेम के ऊपर सॉल्यूशन एक्सप्लोर में इसको राइट क्लिक करना है। उसके बाद ऐड रेफरेंस, रेफरेंस में जाके आपको ब्राउज करके वो DLL को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ओके करना है, बस हो गया काम। इसके बाद आपको कोडिंग पार्ट में जाना है। फ्रॉम में डबल क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको कोडिंग पार्ट from1.vb, ये जो है इसका कोडिंग पार्ट है। तो पहले आपको वो जो आपने DLL को रेफरेंस में ऐड किया उसमें आपका इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ इंपोर्ट MySQL डॉट डेटा डॉट MySQL क्लाइंट, हो गया। इसके साथ क्लास में, क्लास पार्ट के ऊपर मतलब फंक्शन के ऊपर आपको कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, जो वेरिएबल डेटा फेचिंग का जो प्रोसेस है उसमें काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको करना है DIM DA एज MySQL डेटा एडेप्टर। उसके बाद DIM DS एज MySQL डेटा सेट, सिर्फ डेटा सेट। उसके बाद करना है टेबल्स एज डेटा टेबल कलेक्शन, डिम और सोर्स वन एज न्यू बाइंडिंग सोर्स। ये वाला डिक्लेरेशन पार्ट हो गया। इसके बाद फॉर्म लोड में हम कुछ नहीं रखेंगे। बटन वन क्लिक करने से आपका लोड का जो प्रोसीड्यूर है उसको आपको चालू करना है, मतलब डेटा फेच करने के लिए जितने भी सारे हम लाइन यूज़ करेंगे वो हम बटन वन के क्लिक इवेंट के अंदर रखेंगे। तो इधर हम एक कनेक्शन स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, जिसमें DIM माई कनेक्शन एज न्यू माई स्किल कनेक्शन इसके अंदर आपको सर्वर का जो लिंक है इसमें डालना पड़ेगा। जैसे आपका जो डेटाबेस सर्वर है उसका लिंक डालना पड़ेगा। अगर आप डेटाबेस सर्वर सेम कंप्यूटर में रन होता है तो आपको उसको लोकल होस्ट रखना है, या फिर उस कंप्यूटर का जो IP है उसको रखना है, या फिर सर्वर का नेम। तो इधर आपको सर्वर इक्वल टू, मैं लोकल होस्ट यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ये लोकल होस्ट रहेगा, पोर्ट नंबर पोर्ट इक्वल टू, आप इधर देख सकते हैं जैम सर्वर में मेरा MySQL का पोर्ट है 3306। तो मैंने इधर 6606 डाल दिया। उसके बाद डेटाबेस का नेम डालना पड़ता है, डेटाबेस इक्वल टू, मेरा डेटाबेस का नाम है स्कूल, उसके बाद इनवाइटेड कॉमा, उसके बाद यूज़र नेम। जैम सर्वर का यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट रहता है रूट,
और पासवर्ड इक्वल टू ब्लैंक रहता है, तो इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो सर्वर हो गया, उसके बाद पोर्ट हो गया, उसके बाद डेटाबेस का नेम हो गया, उसके बाद डेटाबेस का यूज़र नेम हो गया, उसके बाद पासवर्ड हो गया। तो ये रहा सारा डिक्लेरेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, इधर लिखेंगे डी एस इक्वल टू न्यू डेटा सेट टेबल्स इक्वल टू डी एस डॉट टेबल डी ए इक्वल टू न्यू MySQL डेटा एडाप्टर अंदर हम क्वेरी डालेंगे और उसको माई कनेक्शन से जोड़ देंगे ऐसे। तो इधर हम अपना क्वेरी डालेंगे, तो हम इधर डालते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ओ आर डी ई आर ऑर्डर बाई आई डी ए एस सी। तो ऑर्डर बाई आई डी ए एस सी से क्या होगा, जो स्टूडेंट के आई डी के हिसाब से इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट बनाएगा। तो दूसरे लाइन में हम जाएंगे, उसमें हम लिखेंगे डी ए डॉट फिल डी एस कॉमा टेबल का नेम। डी आई एम व्यू, एक व्यू बनाएंगे एस न्यू डेटा व्यू टेबल ज़ीरो। सोर्स वन डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू व्यू डेटा ग्रिड व्यू हमने डेटा ग्रिड व्यू लिया था डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू व्यू। तो व्यू में जो स्टोर हुआ उसको हम डेटा ग्रिड व्यू में शो करेंगे, हो गया। तो इसको हम सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो लोड में हम क्लिक करेंगे, कुछ एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है, चेक करते हैं। कीवर्ड नॉट सपोर्टेड डेटाबेस, अच्छा, डेटाबेस का जो नाम है ये थोड़ा गलत हुआ है इधर, इसको हम स्टॉप करते हैं। बी ए मिसिंग हो गया, ओके। तो इसको हम ट्राई कैच ब्लॉक में भी इसको प्लेस करते हैं, वो हम दूसरा वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एरर को हैंडलिंग कर सकते हैं। फिलहाल सिंपली इसको समझने के लिए तो मैंने इसको फिर से दोबारा सेव कर दिया, इसको बाद इसको प्ले कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका आईडी, नेम, एड्रेस और एज आ चुका है, ठीक है। हम दूसरा डेटा भी इसमें इंसर्ट करके देखेंगे, चलिए इंसर्ट करते हैं। इसमें नाम डालते हैं ऐसे एन टी ए एन यू जे एन ए एड्रेस पी एन एस के यू आर ए एच 29 वो करते हैं। तो अब देख सकते हैं इधर स्टूडेंट टेबल पे दो रिकॉर्ड हैं, ए वाला और ए वाला, इधर भी दिखना चाहिए। तो इसको आप फिर से लोड कर सकते हैं, तो ये देखिए ये आ गया।
ठीक है। तो ऐसे हम विजुअल स्टूडियो 2010 के साथ जैम सर्वर या फिर वाम सर्वर में जो मास्क लाते हैं उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम क्रिस्टल रिपोर्ट को जैम सर्वर या फिर वाम सर्वर में जो मायस्क्यूल आता है उसके साथ जोड़ते हैं, कैसे क्रिस्टल रिपोर्ट को डिजाइन कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।